भिंडियाँ बनाने के लिए यहाँ है जी मेरे पास भिंडियाँ, टमाटर, प्याज और हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना है, तो हरा धनिया और पुदीने की चटनी भी बनेगी साथ में। तो आज बना रहे हैं हम भिंडियाँ। भिंडियाँ बनाने के लिए जो सामान मैंने इस्तेमाल किया है वो मैं आपको दिखा। भिंडियाँ पकाने के लिए मैंने लिए हैं जी काट, भिंडियाँ काटी हैं, टमाटर काटा है, प्याज काटा है और थोड़ा सा मैंने लहसुन काट लिया है। आज पकेंगी भिंडियाँ, साबत भी दिखाई थी, अब कटी हुई भी दिखाई है। थोड़े सारे ऑयल में बस ये मैंने लहसुन और प्याज डाल के रख दिया। जैसे ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा, इसका रंग बदलेगा, फिर मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर और इसके बाद इसमें सुरख मिर्च, नमक और हल्दी डाल के दम लगाऊंगी। थोड़ा सा भुन जाने के बाद मैंने डाल दिया नमक, मिर्च और टमाटर। अब बस इनको मिक्स करके इसके ऊपर ढक्कन लगाऊंगी। थोड़ा सा टमाटर जैसे ही पकने के लिए रेडी हो जाएगा तो फिर इसमें डाल देंगे हम अपनी प्यारी सी भिंडियाँ। मसाला रेडी हो गया, यहाँ पर मैंने कर ली जी भिंडियाँ फ्राई। और भिंडियाँ फ्राई करते करते ये देखें दो चूल्हे मैंने इस्तेमाल किए हैं, दोनों चूल्हों पे फौरन काम हो जाता है। भिंडी मसाला हो गया जी रेडी, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लाइक करें, शेयर करें, पसंद आए कमेंट्स लिखें।